हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 8 की हनी ड्यू बुक से पोम नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है ऑन द ग्रास हॉपर एंड क्रिकेट। ये पोम लिखी है जॉन कीट्स ने। इस पोम के मीडियम से हम ये जानेंगे कि किस तरीके से नेचर की छोटी से छोटी चीजें भी हमें लाइफ लेसन्स दे सकती हैं, बी इट अ ग्रास हॉपर और अ क्रिकेट। और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उन लाइफ लेसन्स को अपने आप में, अपनी पर्सनालिटी में इम्बाइब करते हैं या नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं कि ये पोम हमें क्या सिखाने वाली है। अनलाइक द एंट एंड द क्रिकेट, आपने एक पोम ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, द एंट एंड द क्रिकेट, जो पेज नंबर 21 पे दी हुई है आपकी बुक में, विच टेल्स अ स्टोरी। दिस इज अ नेचर पोम। वो वाली जो पोम थी वो तो हमें एक कहानी सुना रही थी, उसमें भी एक लेसन था और उसने हमें एक कहानी भी सुनाई थी, बट इस पोम में स्टोरी नहीं है, ये एक नेचर पोम है। नेचर पोम का मतलब होता है नेचर के बारे में यहाँ पे एक्सप्रेस किया है पोइट ने। इन इट द ग्रास ओवर एंड क्रिकेट डू नॉट अपियर एज कैरेक्टर्स इन अ स्टोरी। ये जो दो यहाँ पे लिविंग बींग्स डिस्क्राइब किए गए हैं, ग्रास ओवर एंड क्रिकेट, ये एक स्टोरी के कैरेक्टर्स की तरह डील नहीं किए गए हैं। Rather, they act as symbols, each suggesting something else. ये symbols की तरह use हुए हैं और दोनों अलग ही symbols हैं. Read the poem and notice how the poetry of earth keeps on through summer and winter in a never-ending song. और जब हम ये poem पढ़ेंगे तो हम अच्छे से समझ जाएंगे कि earth की जो poetry है वो कैसे continued रहती है summer में और winter में। और depend ये करता है कि आखिर ये गाना गाता कौन है जो समर और विंटर दोनों में कंटिन्यूड रहता है। लेट अस बिगिन। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। पोएट हमें यहाँ पे ये बताते हैं कि जो अर्थ की पोएट्री है, जो अर्थ का सॉन्ग है, जो हमेशा चलता रहता है, दैट इज नेवर डेड, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। When all the birds are faint with the hot sun, जब बहुत ही गर्म मौसम होता है, सन बहुत ही हॉट होता है और ऐसा लगता है कि जो बर्ड्स हैं वो फेंट हो गई हैं गर्मी के मारे, एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज, और कहाँ छुप जाती हैं वो, ट्रीज में छुप जाती हैं, अपने नेस्ट में छुप जाती हैं, ट्री होल्स में छुप जाती हैं, जहाँ की उन्हें थोड़ी सी ठंडक मिलती है। A voice will run. ऐसे में भी हम एक आवाज सुन सकते हैं, एक सॉन्ग सुन सकते हैं, फ्रॉम हेज टू हेज। हेज क्या होता है? हेज होता है जो हम श्रब्स की बाउंड्री बना लेते हैं अपने घरों के सामने, दीवार की तरह, वो हेज होता है, हेज टू हेज। अबाउट द न्यू मोन मीट। अब यहाँ पे न्यू मोन मीट का क्या रेफरेंस है? ये है मीट, यहाँ पे क्या है, कटिंग डाउन ग्रास विद अ मशीन। जैसे कि जब हम ग्रास को मशीन से कट कर देते हैं तो जो सिचुएशन होती है लॉन में, यहाँ पे वो डिस्क्राइब की गई है। दैट इज द ग्रास हॉपर्स। और वो जो साउंड आएगी आपको उस हॉट सन में, जब सब कुछ शांत है, बर्ड्स भी फेंट हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि वो फेंट हो रही हैं और ये ट्रीज में छुप गई हैं, उस वक्त भी एक सॉन्ग नजर आता है, एक सॉन्ग हमें सुनाई देता है। वो किसका सॉन्ग होता है? वो एक ग्रास हॉपर का होता है, जो कि हेज टू हेज घूम रहा होता है, न्यू जो मोन मीड होते हैं उनमें भी घूम रहा होता है। ही टेक्स द लीड। और ऐसे वेदर में वो लीड लेता है। लीड का मतलब यहाँ लेने का क्या मतलब है? वो चार्ज ले लेता है अर्थ की जो पोइट्री है उसे कैरी ऑन रखने का, अर्थ का जो सॉन्ग है उसे कंटिन्यूएशन में रखने का। किसका जिम्मा हो जाता है ये हो जाता है ग्रास हॉपर का। इन समर लग्जरी ही हैज नेवर डन विद हिज डिलाइट्स, फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लेजेंट वीड। अब यहाँ पे ये लाइन्स हमें क्या बता रही हैं कि समर की वो लग्जरी बढ़ा देता है, ब्यूटी बढ़ा देता है, कौन? वो ग्रास हॉपर, गाना गा गा के, जो कि वो पहले नहीं कर रहा होता है, दूसरे सीजन में नहीं कर रहा होता है। विद हिज डिलाइट्स फॉर व्हेन टायर्ड आउट विद फन, और जब ये जो उसकी हैप्पीनेस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जब वो टायर्ड हो जाता है एंजॉय कर करके, गाना गा गा के, तो क्या करता है ग्रास हॉपर? ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लेजेंट वीड। वो आराम से रेस्ट करने लगता है, कहाँ? सम प्लेजेंट वीड। प्लेजेंट वीड यहाँ पे क्या है? अनवॉन्टेड ग्रास। तो ग्रास हॉपर क्या करने लगता है? रेस्ट करने लगता है। कब? जब वो गाना गाते गाते थक जाता है। तो इस स्टैंजा में हमने ये जाना है कि सिचुएशन भले ही एडवर्स हो, डिफिकल्ट हो, ऑपोजिट हो, खराब हो, फिर भी
हमें जो होप होती है वो मेंटेन रखनी चाहिए, वो बरकरार रखनी चाहिए। और यहाँ पे उस होप को कौन बरकरार रखा रहा है? ग्रास हॉपर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे पहले राइम स्कीम की। तो पहला जो हमारे पास यहाँ वर्ड है, फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है डेड, तो हम इसको बनाते हैं ए। उसके बाद है सन, ये राइम नहीं कर रहा है ए के साथ, तो इसे हम कह देंगे बी। यहाँ पे सन हो गया बी। एंड देन रन, रन राइम्स विद बी, देन इट इज बी हियर। मीड, ये किससे राइम कर रहा है? थोड़ा सा डेड से कर लेता है, तो यहाँ ये हो जाएगा अगेन ए। और फिर उसके बाद लीड, ये भी ए हो जाएगा। फिर डन, हेयर इज विद बी, सन से राइम करता है तो ये बी हो गया। फन भी यहाँ पे बी। फिर वीड, ये क्या हो जाएगा? ए, हियर। तो हमारा राइम स्कीम यहाँ पे क्या हो जाता है? ए बी बी देन ए, ए बी बी ए, ये हो जाता है। इसके बाद हम क्या पाते हैं कि यहाँ पे जो ग्रास हॉपर है वो गाना गा रहा है, उसे ह्यूमन कैरेक्टर दिया गया है। तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच और हो जाता है, कौन सा? पर्सोनिफिकेशन। जब कभी एनिमल्स या इनएनिमेट थिंग्स ह्यूमन कैरेक्टर्स दिए गए होते हैं, वहाँ पे हो जाता है पर्सोनिफिकेशन। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं लास्ट लाइन में दो वर्ड साइड बाय साइड लिखे हैं और ये दोनों ही ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। यहाँ पे है प्लेजेंट और यहाँ पे है वीड। प्लेजेंट का मतलब है वो चीज़ जो खुश करती है हमें, और जो वीड है उसका मतलब क्या है? अनवांटेड है। तो ये दोनों ही ऑपोजिट वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? ऑक्सीमोरॉन। जब कभी भी दो ऑपोजिट वर्ड साइड बाय साइड लिखे होते हैं लाइंस में, तो वहां पे फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाता है? ऑक्सीमोरॉन। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। सीजिंग का मतलब क्या है? कमिंग टू एन एंड। अर्थ का जो सॉन्ग है वो कभी भी खत्म नहीं होता है। On a lone winter evening, when the frost has wrought a silence from the stone there shrills. पोइट कंटिन्यू करते हुए कहता है, ऑन अ लोन विंटर, लोन विंटर मीन्स अलोन। जब विंटर जब होता है तो लोग अपने घरों में रहते हैं, तो बाहर क्या होता है? सन्नाटा होता है। तो वो यहाँ पे लोन क्या है? अलोन। इवनिंग, इवनिंग के टाइम पे, व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रॉट अ साइलेंस। फ्रॉस्ट यहाँ पे क्या है? स्नो पार्टिकल्स। उन्होंने क्या लाया होता है? साइलेंस। हर चीज साइलेंस पे लाके खड़ी कर दी होती है। इसका मतलब ये है कि लोग ठंड के मारे अपने घरों में रहे होते हैं। Has wrought a silence. Wrought का मतलब यहाँ पे है shaped or made. Because of frost, there is silence. क्योंकि लोग अपने घरों में हैं, बाहर नहीं है, तो silence ही है हर तरफ. From the stone there shrills. फिर भी ऐसे में क्या होता है? Stone के नीचे से एक shrieking सी noise आ रही होती है, एक shrieking सी voice आ रही होती है, shrieking सा song आ रहा होता है. वो किसका होता है? The cricket's song. इन वार्म्थ इंक्रीजिंग एवर, और ऐसा लगता है कि इस विंटर सीजन में वार्म्थ इंक्रीज कर रही है, वार्म्थ ला रही है ये आवाज। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स। और ऐसे में क्या लगता है कि जो ग्रास हॉपर जो समर टाइम में गाना गा रहा होता है वो हाफ ड्राउजीनेस में होता है, हाफ लॉस्ट सिचुएशन में होता है, और कहाँ? वो ग्रासी हिल्स पे कहीं जाके वो छुप जाता है। मतलब कि समर में ग्रास ऑपर गा रहा होता है और विंटर में ये ड्यूटी किसने ले ली होती है? क्रिकेट ने, गाना गाने की और लोगों को अम्यूज करने की। तो यहाँ पे भी हम क्या पाते हैं कि जब विंटर आता है, विंटर पोम्स में होपलेसनेस को सिग्निफाई करता है। अगर लाइफ जो है होपलेस सिचुएशन से होके गुजर रही है, तब भी हमें जो सॉन्ग है, जो एंजॉयमेंट है लाइफ का, जो होप है लाइफ की, वो खत्म नहीं करनी चाहिए, उसे सीज नहीं करना चाहिए। हम ये यहाँ पे सीखते हैं। एक वक्त पे ग्रास हॉपर ने चार्ज लिया था अम्यूज करने का सबको, पूरी नेचर को, और दूसरे वक्त पे किसने लिया था? क्रिकेट ने लिया था। अब हम बात करते हैं राइम स्कीम की। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन का है नेवर, सेकेंड लाइन को हम फ्रॉस्ट जो है यहाँ पे हम पाते हैं, ये राइम नहीं करता नेवर से, तो यहाँ हो जाएगा बी। एंड देन थर्ड लाइन देयर राइम्स विद नेवर, सो अगेन वी हैव ए। नेक्स्ट वी हैव हियर श्रिल्स, तो इसको हम क्या कर देते हैं? सी, क्योंकि ये किसी से भी यहाँ पे राइम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव एवर, इट राइम्स विद नेवर, सो ये ए।
हो जाता है लॉस्ट राइम्स विद फ्रॉस्ट, तो यहाँ पे है बी, और ये हिल्स ये किससे राइम कर रहा है, शिल्स से, तो यहाँ हो गया सी. तो राइम स्कीम हमारा हो गया ए बी ए सी ए बी सी, ये हो जाता है इस पर्टिकुलर स्टैंजा का राइम स्कीम. उसके अलावा हम ये पाते हैं कि क्रिकेट और ग्रास हॉपर दोनों का सॉन्ग यहाँ पे कंपेयर किया गया है, बट यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है इन दोनों सॉन्ग्स में. तो पूरी की पूरी जो पोम है उसमें हमें एक और फिगर ऑफ स्पीच मिलता है, वो क्या है, मेटाफर. ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है पर्सोनिफिकेशन, यहाँ पे जो लास्ट स्टैंजा में मैंने बताया था पर्सोनिफिकेशन एक हो जाता है, एक यहाँ पे मेटाफर हो जा रहा है. एक और चीज आपने नोटिस की होगी, अगर मैं इसी स्टैंजा की बात करूँ तो आप क्या देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन है, फिर सेकेंड लाइन है, फिर यहाँ पे थर्ड लाइन है, फिर फोर्थ लाइन है, कोई भी यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क्स नहीं आ रहे, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आ रहा है, और ये एक लाइन से दूसरी लाइन में कैरीड ऑन है पोम, तो यहाँ आइडिया जो पोम का है वो कैरी ऑन कर रहा है. तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है वो हो जाता है एंजेबमेंट. आप इसके बारे में आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे. दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पोम. थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग.